करनाल के सिंगड़ा में नानकसर गुरुद्वारे के संत बाबा राम सिंह की आज शुक्रवार को अंतिम अरदास थी। इस अरदास में जहां तमाम समर्थक शामिल हुए तो वहीं कई नेता भी उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। आपको बता दें कि सिंगड़ा में नानकसर गुरुद्वारे के संत बाबा राम सिंह ने सिंघू बॉर्डर पर गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद किसानों में काफी ज्यादा रोष देखने को मिला था, क्योंकि उन्होंने अपने सुसाइड नोट पर लिखा था कि उनसे किसानों का ये दुख देखा नहीं जा रहा है, जिसके चलते वो ये कदम उठा रहे हैं। उन्होंने 16 दिसंबर को खुद को सिंघू बॉर्डर पर गोली मारी थी और 18 दिसंबर को उनका संस्कार किया गया था। आज नानकसर गुरुद्वारे सिंगड़ा में उनकी अंतिम अरदास की गई, जिसमें उनके भारी संख्या में समर्थक पहुंचे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने पहुंचकर श्रद्धांजलि दी और सरकार को जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि सरकार अहंकार में है, जिद पर अड़ी है, अंधी और बहरी हो चुकी है, और आज भी पीएम ने किसानों के लिए ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे किसान पीछे हटे। सरकार का अहंकार कभी भी देश को चलाने के लिए सार्थक नहीं हो सकता। वहीं इनेलो नेता अभय चौटाला ने भी सरकार को कोसा। उन्होंने कहा कि संत बाबा राम सिंह ने जो किसानों के समर्थन में शहादत दी है, वो इसलिए दी है ताकि किसानों की बात ठोस रूप में सरकार तक पहुंच सके। चौटाला ने कहा कि सरकार ये कानून किसानों पर थोप रही है, किसानों ने ये कानून नहीं मांगे थे। जिस ढंग से संत बाबा राम सिंह जी ने कैसे देश के प्रधानमंत्री को जो निर्णय उन्होंने लिए गए, लोगों की आवाज उन तक पहुंचाने के लिए अपने आप को उन्होंने शहादत देने का काम किया, और उनकी जो शहादत थी, जिस सोच के तहत उन्होंने ये कदम उठाया, मैं जो समझता हूँ कि उनकी मंशा ये थी कि किसी तरीके से किसान के साथ आज जो केंद्र की सरकार जिस ढंग से उनकी अनदेखी कर रही है, जिस ढंग से उनको जमीन से बेदखल करना चाहती है, जिस ढंग से उसको उसके बच्चों को परिवार से अलग करना चाहती है, उस बात को कैसे ठोस तरीके से देश की सरकार तक पहुंचाया जाए। उन्होंने शहादत देकर के एक मैसेज दिया है कि आप किसी को दबा नहीं सकते, आप किसी के अधिकार पे अपनी मर्जी नहीं चला सकते, हर हालत में आपको ये जो कानून बनाए आपने वापस लेने पड़ेंगे, नहीं अगर लोगे तो फिर अनेक संत बाबा राम सिंह जो है इस धरती पे पैदा हो जाएंगे और जो इस सरकार को सबक सिखाने के लिए इससे भी बड़ी कुर्बानी देने को तैयार। प्रधानमंत्री मन की बात तो आज भी कर रहे हैं और लोग किसानों को कह रहे हैं हमने 6,000 रुपया डाल दिया और इस कार्यक्रम के, और किसान पिछले एक महीने से लगातार वहां पर बैठे हैं। प्रधानमंत्री किसान से 10,000 ले ले, ये काले कानून वापिस कर ले, वो हमारे से पैसे ले ले, हम अपनी धरती बेच कर दे देंगे, लेकिन जिस ढंग से मर्जी थोपी जा रही है, किसी ने जाकर के थोड़ा ही मांगा था, ये तो मर्जी थोप दी गई, अब बारी बारी सफाई दी जा रही है कि हमने इतना पैसा दे दिया, हमने इतना पैसा दे दिया, आप हमारे से ले लो पैसे, लेकिन इन कानूनों को वापस कर दो। हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि डंडे के साथ कर रहे हैं, कई तरह की ऐसी तरीके धक्का सही हो रही है, क्या समझते हैं आप? हरियाणा प्रदेश के लोगों ने एक फैसला कर लिया कि जिस ढंग से सरकार आज फैसले ले रही है, हम ना केवल इनका कोई अखबार तक विरोध करेंगे, बल्कि अगर इसका विरोध करने के लिए इनकी गाड़ियों को रोकना पड़े, इनको गांव में ना घुसने दें, उस तरह के फैसले भी लोग रोजाना ले रहे हैं। और आने वाला ऐसा समय होगा कि सत्ता में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति सड़क के रास्ते से कहीं जा नहीं सके। 2% जो पंचायत को लगाने की कही है बिजली को, उसको कैसे समझते हैं? ये भी किसान की जेब पे डाका है, ये जो 2% लगाया गया है ये भी किसान पे लगाया, किसी और पे नहीं। कैसे किसान को कमजोर करे, इस काम में सरकार लगी हुई है। भोजन का प्रदर्शन चला, उसमें बाबा जी की शहादत हुई और आज अरदास समागम रखा गया। तो बाबा जी का
की शहादत हुई है, जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके संबंध में हुई है। बाबा जी एक बहुत ही बड़े ब्रह्म ज्ञानी थे, जो कि चारों तरफ की जितनी इलाका है, जो सारे हमारे हरियाणा का तकरीबन इलाका है, सभी जातों के साथ उनका संबंध था। सभी जात के लोग यहाँ आकर उनका दर्शन करते थे, प्रेम करते थे। उनमें ज़्यादातर किसान लोग का संबंध बहुत ज़्यादा था। तो बाबा जी के मन में एक बहुत बड़ी भावना थी कि दुनिया के अंदर जो ज्ञानी आते हैं या ब्रह्म ज्ञानी, उनका काम होता है परोपकार करना। तो उसी के तहत, परोपकार के तहत, बाबा जी ने अपने मन में एक धारणा बनाने भी, जो जाकर ये यहाँ का जो राजा है, जो राजा मोदी साहब हैं, जो वो सही बात नहीं समझ रहे, तो उसके लिए किसी की कुर्बानी की ज़रूरत है। उन्होंने मन में ये धारणा बना ली थी कि मेरे भाई जो किसान हैं, सभी जाकर बॉर्डर पर पड़े हुए हैं, बहुत दुख सह रहे हैं, उनका दुख को उनके अंदर एक ऐसी भावना पैदा कर दी कि उनके अंदर में भाई मैं इनके लिए कोई कुर्बानी करूँ, तो ताकि ये जो राजा है, जो मोदी साहब हैं, उनको कुछ सम्मत आए, ताकि इस जो उनकी मांगे उनको पूरा वो कर दें। तो इसी तहत उन्होंने अपनी एक बहुत बड़ी कुर्बानी, ऐतिहासिक कुर्बानी दी उन्होंने, जो एक दुनिया के इतिहास में, दुनिया में एक बहुत बड़ी कुर्बानी के रूप में लिखी जाएगी। तो उस कुर्बानी को आज नतमस्तक करने के लिए सारा हरियाणा, चाहे कोई भी किसी भी धर्म का, किसी पार्टी का कोई भी है, सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए, सभी यहाँ आकर उनको नतमस्तक कर रहे हैं, क्योंकि बाबा जी एक किसी कौम के, किसी जात के, किसी फिरके के नहीं थे, वो सभी के साथ उनका संबंध था। सभी को वो ज्ञान की एक, जो शब्द की एक बहुत बड़ी ज्ञान की भावना से ओतप्रोत करते थे। आज हमें बहुत दुखी हैं उनके जाने, परंतु हमें एक मान भी है कि उन्होंने एक बहुत बड़ी शहीदी अपनी कौम के लिए, अपने भाई किसान परिवारों के लिए, किसानों के लिए, देश के लिए की है। और हमें ये जरूर चाहते हैं कि मोदी जी आपको समझ आना चाहिए, और उसको अपने आप इन जो कानून है, जो काले कानून जिनको कहा गया है, उनको वापस ले लेना चाहिए। यही एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि बाबा जी की होगी। इसी से ही सभी का भला है। वाहे जी का खालसा। आज हम आए हैं बाबा राम सिंह जी के अंतिम अरदास पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। वैसे हम पहले दिन भी आए थे, उन्होंने अपने प्राणों की कुर्बानी दी है एक कॉज के लिए, एक उद्देश्य के लिए। उनसे दुख देखा नहीं गया, क्योंकि संत महात्माओं की आत्मा बहुत ही निर्मल होती है, सहन नहीं किया गया। लेकिन जो मकसद उस समय था वो आज भी बरकरार है कि किसानों का दुख, मजदूरों का दुख, जो ये तीन काले कानून बनाए हैं केंद्र सरकार ने, उसके खिलाफ किसानों का दर्द जो है, और किसान सड़कों पर बैठे हैं। ये सरकार अंधी और बहरी हो चुकी है। आज भी आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कुछ नहीं दिखाया कि वो पीछे हटे, किसानों की बात को माने। ये एक राजहट है, जिद है, अहंकार है, और ये अहंकार देश को चलाने में कभी भी सार्थक नहीं हो सकता है। जनता की आवाज़ को और दर्द को अगर शासक नहीं पहचानेगा, तो ये एक लोकतंत्र है, उचित समय पर लोग भी इसको देखते हैं। लेकिन मैं तो कहती हूँ कि कोई भी कायदा कानून जो भी लागू होता है, वो करने से पहले जो लोग हैं उनकी राय लेनी चाहिए। कभी आपने पहले इसका जिक्र नहीं किया, कहीं ये बात आई नहीं, और आपने एकदम कोरोना के समय में ये तीन काले, पहले अध्यादेश लाए और फिर कानून बना दिए। कांग्रेस पार्टी ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, और कल ही राहुल जी के नेतृत्व में 3 मेंबर्स का डेलीगेशन, क्योंकि ज़्यादा लोगों को जाने नहीं दिया, राहुल जी ने 2 करोड़ के करीब हस्ताक्षर महामहिम राष्ट्रपति जी को सौंपे हैं। हम चाहते थे कि कांग्रेस के चंद लोग उनके नेतृत्व में हम पैदल जाते, लेकिन ये जो सरकार है, केंद्र की सरकार, इतनी घटिया सोच रखते हैं ये कि फौरन वहाँ पर हमारे पार्टी ऑफिस के आगे 144 धारा लगा कर कहा कि आप नहीं जा पाएंगे। हम सभी लोग वहाँ थे, हमारे शीर्ष नेतृत्व था, प्रियंका जी खुद थी वहाँ पर। कुछ देर हम बैठे, लेकिन फिर उन्होंने सबको अरेस्ट करके थाने ले गए।
डिटेन करके फिर छोड़ दिया। लेकिन बात यह है कि लोकतंत्र में इस तरह का अगर कोई अपनी आवाज़ ही नहीं उठा सकता, हम अपने राजनीतिक ढंग से शांतिपूर्वक ढंग से बात उठाते हैं, हमें रोका गया। किसान शांतिपूर्वक ढंग से इतने दिनों से, हफ्तों से, महीने से ऊपर हो गया, वो बैठे हैं, उनकी आवाज़ सुन नहीं रहे। जगह जगह ये ड्रामे रचे जा रहे हैं, जिस तरह से आज किया गया, लोगों का रोष का भी उनको सामना करना पड़ा। मैडम एक चीज बात सामने को हो रही है कि वहाँ पर कोई युवा जाने लगे हैं, मोदी मोदी के नारे लगाने लगे हैं, आज किसानों ने यहाँ पर कहा, किसान नेता थे जी, किसी ने कहा, मुझे मालूम नहीं है इसके बारे में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो प्रोवोक करें और किसी तरह की वहाँ पर अशांति फैलाने की। कुछ शरारती तत्व वहाँ पर हो सकता है, कुछ लोग भेजें, तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो शांति से आंदोलन चल रहा है वो शांति से चलता रहे, लेकिन हम यही उम्मीद करते हैं कि साल ख़त्म होने से पहले ये सरकार को सद्बुद्धि आए और वो अपने ये तीनों काले कानून वापस ले। हरियाणा के मुख्यमंत्री भी कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि धक्काशाही हो रही है, इसी को लेकर का जो तीन कानूनों को लेकर जो लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है, विरोध हो रहा है, विरोध तो करना, विरोध करना तो ये एक लोकतंत्र में लोगों का अधिकार है और शांतिपूर्वक अधिकार, अगर कोई शांतिपूर्वक विरोध करता है तो उसमें क्या हर्ष है। कहीं वायलेंस नहीं हुई, वायलेंस अगर कहीं हुई, हिंसा कहीं हुई है तो वो सरकार की ओर से हुई है। आप याद कर लीजिए कैसे लाठियां बरसाई गई, कैसे अश्रु गैस, धक्का सरकार, हिंसा सरकार फैलाने की कोशिश कर रही है। किसान तो आप देख सकते हैं कि इतना लंबा आंदोलन, इतनी संख्या में, लाखों की संख्या में किसान बैठे हों और बिल्कुल आराम से, शांति से अपनी बात उठा रहे हों, कहीं एक भी हादसा नहीं हुआ है। हादसा बल्कि ये हुआ है कि किसानों की जान गई है, 40 से ज़्यादा किसानों की जान गई है, एक संत महात्मा की जान गई, लेकिन सरकार की आंखें नहीं खुल रही। चलो ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air condition, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.